दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। ये मेरे पास साइन VS6 है और इस गाड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग चाबी को ऑन करते हैं तो 20 नंबर का फ्यूज, मेन फ्यूज होता है, ये उड़ जा रहा है। तो करीब करीब सभी को मालूम है कि ये 20 नंबर का फ्यूज उड़ता है तो ECM शॉर्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी दूसरा भी फॉल्ट होता है। और मैंने चेक किया, ECM का ही फॉल्ट है, लेकिन वो क्या चीज़ से शॉर्ट होता है ऐसा, वो चीज़ बताने के लिए मैं सोचा एक वीडियो निकाल दूं, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर मेरे पास से 5 से 6 जगह फ़ोन आ चुका इस प्रॉब्लम को लेके। तो और ये जो मॉडल है ECM, ये मिल भी नहीं रहा है, ये A21 है, इस पार्ट नंबर का ECM मिल भी नहीं रहा है और सभी जगह में परेशान है। और बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहा है कि भाई 20 नंबर का फ्यूज उड़ रहा है तो क्या फॉल्ट होगा। तो मैंने तो लोगों को बताया भी कि भाई ECM ख़राब है, लेकिन मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो निकाल दूं और ये शॉर्ट भी हुआ है तो उसका रीज़न क्या है वो आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि मैं सामने से ये रीज़न देख रहा हूँ, तभी एक बार फ्यूज लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों इसके अंदर 2 फ्यूज उड़ चुका है और यहाँ पे 3रा फ्यूज अभी डाला हूँ और अभी चाबी चालू करूँगा और उड़ जाएगा। चाबी को ऑन करो, ये चाबी ऑन किया और फ्यूज उड़ गया। कभी चेक करना है आप लोगों तो ये जो वायर है जो इधर से आता है, ये वायर को बाहर निकालो, ये वायर को अगर निकाल देते हैं तो फ्यूज अगर उड़ता है उसके बावजूद भी तो वायरिंग का फॉल्ट होता है, और ये वायर निकालने के बाद और नहीं उड़ रहा है तो फिर ECM का फॉल्ट है। तो अब ये फ्यूज मैंने नया डाला और चाबी को ऑन कर रहा हूँ, ये फ्यूज नहीं उड़ा। क्यों नहीं उड़ा? क्योंकि इसका ECM का कपलर निकाला हूँ, दिखा देगा, ये यहाँ पे ये वायर निकाल दिया हूँ, ठीक है। अभी ECM को बाहर निकालता हूँ। दोस्तों ये वायर निकाला मैं और यही वायर लगाने से उड़ता है, और ये वायर को निकाल लेंगे तो फ्यूज नहीं उड़ता है। तो इसमें देखना क्या है, ये ग्रीन वायर है और ये रेड वायर है, रेड में ब्लैक है। तो ये वायर जो है ऊपर का, ये जाड़ा पट्टी वाला है, ठीक है। तो ये जाड़े पट्टी के अंदर ऐसा ECM को मैंने रख दिया और मल्टीमीटर को, इसके पहले मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था कि इतना फ्यूज उड़ा के चेक करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ये मल्टीमीटर को यहाँ पे रख देंगे, कॉन्टिन्यूटी मोड पे रख के, ये दोनों मेन और अर्थिंग है इसके ऊपर मैंने रखा और यहाँ मल्टीमीटर में बीप बज रहा है। ये जाड़ा प्रोप है वो जो यहाँ से बैटरी वाला है और ये ग्राउंड है, ठीक है। और यही जगह पे ये नया ECM लेके चेक कर लेता हूँ। मैंने नया ECM ले लिया, 5,789 रुपये का है, ये ओरिजिनल ही है, जेन्युइन कंपनी का है, और उससे भी सादा तो मैं डालता भी नहीं कभी भी। तो यही वायर उसके अंदर है, यही सॉकेट, यहाँ पे मल्टीमीटर को वापस रख दो उधर ही, सेम उसी जगह पे उसी सॉकेट के अंदर ये वायर डालूँगा। और मल्टीमीटर कॉन्टिन्यूटी मोड पे ही है तो यहाँ पे ये बीप नहीं बज रहा है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बता रहा है ऐसा, बाकी बीप नहीं बज रहा है। और यही जगह पे अगर ये नया वाला है, ये बराबर है, ये नया वाला है, सेम पार्ट नंबर का है, इसको साइड में रखता हूँ। और ये जूना वाला है, अभी ये जूना वाले के अंदर वापस एक बार रख के आप लोगों को दिखा देता हूँ। वही जाड़ा प्रूफ के अंदर रख रहा हूँ तो यहाँ पे मल्टीमीटर में बीप बजेगा, तो जब यहाँ पे बैटरी का सप्लाई रहेगा यहाँ पे, और ये जब ग्राउंड हो चुका है तो जैसे फ्यूज लगाएंगे उड़ता है, तो इसका रीज़न है कि ECM खराब हो चुका है। लेकिन ECM खराब कैसा होता है वो आप लोगों को दिखाता हूँ, और मैंने देख भी लिया और मैंने वीडियो नहीं निकाल रहा था, लेकिन मैंने देखा कि हफ्ते में बहुत आदमी का फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा 20 नंबर का फ्यूज उड़ रहा है, तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो चालू किया, तब ये लगा दिया हूँ। और पहले एक बोल्ट टाइट करके फिर दिखाता आप लोगों को। दोस्तों अभी ये मैंने चाबी चालू किया, चेक लाइट आया और चेक लाइट चले गया, लेकिन ये चाबी पे बराबर आप लोग गौर से देखेंगे तो आइडिया आएगा, ये चाबी को ऑन किया, चेक लाइट चालू हुआ, हल्का सा हिल गया, ये चेक लाइट बंद हो गया, जबकि न्यूट्रल लाइट चालू है, और इसी पे अगर हल्का सा इधर कर दूंगा तो वापस चेक लाइट चालू हो गया। चाबी को वापस बंद किया, वापस चाबी को ऑन किया, ये चेक लाइट भी आया, लेकिन हल्का सा हिल गया ये,
हिल गया तो ये बंद हो गया, वापस थोड़ा सा घुमा दिया, चेक लाइट चालू है, जबकि न्यूट्रल लाइट चालू ही है। और चाबी को अगर मैं बंद करता हूँ तो न्यूट्रल लाइट ही बंद होगा, लेकिन न्यूट्रल लाइट बंद नहीं हो रहा है। ये देखो यही फोल्ड है, और ये फोल्ड होने का रीजन होता है कि चाबी स्विच में अचानक में करंट आना और वापस झटके से करंट निकलना, वही रीजन है जो ECM बार बार उड़ता है। तो कभी भी अगर आप लोग के पास गाड़ी हो, आप लोग इंजीनियर है या मैकेनिक भाई है जो भी है, अगर आप लोग गाड़ी में अगर चाबी ऑन करते हैं कि चेक लाइट आया और वापस न्यूट्रल लाइट चालू है, ये न्यूट्रल लाइट चालू है और वापस चाबी को मैं बंद किया, चाबी को चालू किया, चेक लाइट भी आया, न्यूट्रल लाइट आया, ये चेक लाइट बंद हो गया, लेकिन थोड़ा सा अगर पीछे करूँगा, वापस इधर करूँगा तो चेक लाइट आ गया, जबकि ये टाइम पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अभी गाड़ी के अंदर ECM मैंने नया डाला। वापस एक बार दिखा दूँ, चाबी को ऑन किया, चेक लाइट आया, हल्का सा चाबी आगे पीछे हुआ तो चेक लाइट वापस चालू हो गया। मतलब ये चाबी स्विच के अंदर फोल्ड है। अभी तो फिलहाल मैं गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, ये गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी भी स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी इस पर रेस नहीं मारेंगे। क्या है, कभी झटके में अगर करंट छोड़ता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ECM उड़ जाता है, अभी लॉक सेट डालना पड़ेगा, और मैंने लॉक सेट भी लेके रखा हूँ, ये गाड़ी को बंद कर रहा हूँ, लॉक सेट भी मैंने लेके रखा था और वीडियो इसका नहीं निकाला था, लेकिन काफ़ी आदमी का फ़ोन आ चुका कि भाई ये 20 नंबर का फ्यूज उड़ रहा था, क्या फोल्ड है, तो उसके लिए मैंने छोटा सा वीडियो निकाला। और साथ में जो प्लग कैप है, ये प्लग कैप भी ये निकाल के मल्टीमीटर से चेक करने का दिखा देता हूँ। दोस्तों मल्टीमीटर को मैंने कॉन्टिन्यूटी मोड पे रखा और एक प्रोब को यहाँ से डाल दूंगा और दूसरे प्रोब को यहाँ से डालूंगा, इसके अंदर बीप नहीं बज रहा है, और बीप बजेगा तो ये प्लग कैप शॉर्ट होता है, लेकिन ये बीप नहीं बज रहा है। यही जगह पे मेरे पास दूसरा है जो इससे बढ़िया दिख रहा है, जबकि ये शॉर्ट है, तो उसका भी करके दिखा देता हूँ। ये गाड़ी के अंदर लगा हुआ सही है, एक यहाँ पे रख दिया और दूसरा यहाँ पे लगाऊंगा तो मल्टीमीटर में बीप बजना चालू हो गया, ये मल्टीमीटर में बीप बजना चालू होगा। ये प्लग कैप शॉर्ट है, अगर प्लग कैप शॉर्ट रहेगा तो ST कोयल के अंदर दो वायर होता है, एक ब्लैक होता है, ब्लैक पे वाइट, और दूसरा ग्रीन कलर का होता है, पूरा ग्रीन होता है, ग्रीन में ब्लैक होता है हल्का सा, तो ECM से ग्राउंड आता है, लेकिन जब अगर प्लग कैप शॉर्ट है तो वो करंट रिवर्स मार के ECM के अंदर जाएगा तो ECM को शॉर्ट करता है। तो प्लग कैप शॉर्ट होने का रीजन भी है जो ECM को उड़ा देगा, और दूसरा चाबी स्विच का आप लोगों को जो दिखाया वो चाबी स्विच का ही मिस्टेक था, बाकी ये प्लग कैप का नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।